बीच में वो विक्की अच्छा लग रहा था मुझे स्टार्टिंग में, बट अब वो भी एज अ गेम देखेंगे तो नहीं। मुनावर बोल रहा है बस कि मैं करूंगा करूंगा। दोस्तों बिग बॉस से बेघर हुए समर दुरेल का भी टाइम पे इविक्शन इंटरव्यू हम सभी को देखने को मिल रहा है, जहां पर दोस्तों कल ही हम सभी को समर्थ का इविक्शन देखने को मिला, जहां पर समर्थ ने अपने इंटरव्यू में मीडिया के सामने ये क्लियर भी कर दिया है उनका उनका जो इविक्शन हुआ है वो जो वीकेंड के वार पे नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे वीकेंड का वार का शूट फिनिश हुआ रात के 2-3 बजे उनका इविक्शन किया गया ऐसा दोस्तों, जहाँ पर समर दुरेल का अपने इविक्शन के इंटरव्यू में कहना है, जहाँ पर मीडिया ने और कई सारे सवाल किए बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में, जहाँ पर सबसे पहला मीडिया का सवाल था कि मुन्नवर के बारे में क्या कहना चाहते हो, जहाँ पर दोस्तों मुन्नवर के ऊपर भड़कते नजर आए समर जुरेल कि मुन्नवर का जो गेम है घर के अंदर कुछ है ही नहीं, अगर विनर बनेगा मुन्नवर फारूक के बिग बॉस 17 का तो वो सबसे अनडिजर्विंग विनर होगा, यानी कि वो जो ट्रॉफी के लायक ही नहीं क्योंकि उसका गेम जो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आया, वो लड़की से डरता, जहाँ पर आयशा से उसकी फटती है एक नंबर की और वो एक नंबर का डरपोक इंसान है, जहाँ पर लड़कियों का सहारा लेके अभी तक वो गेम के अंदर आगे आया है, जहाँ पर वो ऐसे अगर ट्रॉफी भी जीत जाएगा तो वो जो है सबसे बेकार विनर माना जाने वाला है बिग बॉस 17 का सा दोस्तों कहना है। जहाँ पर दोस्तों उनके बारे में और ये भी बोला बस वो फैन बेस के चलते है, जहाँ पर UK07 राइडर जो है घमंड से बोलता था घर के अंदर कि उसके फैंस बहुत है मैं जाऊँगा फिनाले में, मुन्नवर को भी वही घमंड है बस मुन्नवर जो है दिखाता नहीं, मुन्नवर को अंदर से पता है कि वो जो है फिनाले में जाने वाला है और वो जो है ट्रॉफी उठाने वाला, लेकिन मुन्नवर जो ट्रॉफी नहीं लेगा ये अभी टाइम पे दोस्तों की गारंटी दे रहे समर दुरेल, देखेंगे क्या होता है। साथ ही में दोस्तों मीडिया ने अभिषेक के बारे में उसे सवाल किया, तो अभिषेक के बारे में जो है समर दुरेल अपने इविक्शन के इंटरव्यू में कहते नजर आए कि अभिषेक जो है घर के अंदर बहुत फेक कंटेस्टेंट है, जब वो घर से बाहर गया था फिर उससे घर से अंदर आया तो उसको लगा कि वो बहुत बड़ा 30 मारखन बन चुका है, जैसे वो घर के अंदर आया उसने फाइटिंग स्टार्ट कर दी तभी पता चलता है कि कौन कंटेस्टेंट कितना फेंक है। सलमान खान ने मुझको एक ही बार बोला कि समर्थ पोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने पोकिंग बंद कर दी, लेकिन इस अभिषेक को बार बार हर वीक को ये बोला जाता है कि तू जो है बिन काम के मुद्दों पर फाइटिंग करता है, तेरे जो फेक फाइट दिखती है, लेकिन इस बंदे ने जो अभी तक उस फाइटिंग को रोका नहीं उसको कंटिन्यू करता गया, जैसे बिग बॉस बेकर होकर जैसे ही बाहर आया बस 10 ही मिनट में इसने फाइट चालू कर दी, ये पता चलता है कि ये बस फुटेज के लिए आता है और इसको पता है कि फुटेज मिलेगी और फुटेज के लिए ये फाइटिंग करता है। जहाँ पर दोस्तों अंकिता लोखंडे के बारे में ये कहते नजर आए, अंकिता जो है घर के अंदर बहुत दिमाग से गेम खेलने लगी है, अंकिता सेफ गेम खेलने लगी है, वो जो है सभी से अच्छे बात करके रहती है और अंकिता को एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है बिग बॉस को जीतने का क्योंकि वो कलर्स का फेस है और बिग बॉस जो है कलर्स के फेस को थोड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। जहाँ पर दोस्तों आप सभी का क्या है समर्थ के इविक्शन के इंटरव्यू के बारे में कॉमेंट के द्वारा देखे जाना, सारी खबरें के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, सारे बिग बॉस के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।